ट्रेन धड़धड़ाते हुए अपने गंतव्य स्थान की ओर तेजी से बढ़ रही थी। सलमान खिड़की के पास बैठा बैठा ठंडी हवाओं को महसूस करते हुए आफरीन के बारे में सोच रहा था। बड़ी बड़ी आंखें, गोरा रंग और उसका सुडौल छरहरा बदन पहली ही नजर में भा गई थी उसे। वो आज बहुत खुश था। अपने घर वालों को मना कर वो आज आफरीन से कोर्ट मैरिज करने आ रहा था। कोर्ट मैरिज के लिए उसने 3 महीने पहले से ही अर्जी लगा रखी थी। उसने आफरीन को फोन लगाया। हेलो मेरी जान, ईद मुबारक हो। इतनी दूर से मुबारकबाद नहीं लूंगी, ईदी देने घर आओ मेरे पास। ईदी देने ही तो आ रहा हूँ मेरी जान, मेरे घर वाले हमारी कोर्ट मैरिज वाली शादी को राजी हो गए हैं। क्या सच में? हाँ, अब तुम्हें हमारे बच्चे को गिराने की जरूरत नहीं है, वो हमारे प्यार की निशानी है। ओह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं फिलहाल ट्रेन में हूँ, आज शाम तक तुम्हारे पास पहुँच जाऊंगा। कल हम कोर्ट में शादी कर लेंगे, ठीक है? अब तो खुश हो ना। और तभी एक जोरदार धमाका आफरीन को सुनाई देता है। आफरीन की आंखें खुल जाती है और वो एक झटके से अपने बिस्तर से उठकर बैठ जाती है। खौफ और दुख के भाव के साथ उसका चेहरा पसीने से तर बतर हो जाता है। आतंकवादियों द्वारा किए गए सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट में सलमान मारा गया था। इस घटना को बीते लगभग 6 साल गुजर गए हैं, लेकिन आफरीन इसे नहीं भूल पाई है। आज आफरीन का 6 साल का एक बेटा है साहिल। दुनिया और समाज के लोगों ने आफरीन को बहुत ताने दिए, लेकिन उसने कभी उनकी परवाह नहीं की। आफरीन एक स्टेनो है। घर से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर ही उसका ऑफिस है जहाँ वो जॉब करती है। साहिल को आफरीन की अम्मी हमीदा संभालती है। हमीदा ने आफरीन से कई बार कहा कि वो शादी कर ले, लेकिन वो अब तक सलमान को भुला नहीं पाई है। पहला प्यार ऐसा ही होता है शायद। यही वजह है कि दोनों के बीच जिस्मानी तालुकात हो गए थे। साहिल उस प्यार का गवाह है और आफरीन की जिंदगी। आफरीन जिस ऑफिस में जॉब करती है वहाँ ऑफिशियल काम से समीर का आना जाना होता है। वो आफरीन को दिल ही दिल में बहुत पसंद करता है। वो उसकी सारी सच्चाई जानता है। एक दो बार उसने आफरीन से शादी की इच्छा भी जताई थी, लेकिन आफरीन ने साफ मना कर दिया था। समीर भी शादीशुदा था, मगर उसकी बीवी की किसी बीमारी से मौत हो गई थी। समीर एवरेज ही दिखता था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा था। आफरीन उसकी सारी सच्चाई जानती थी, लेकिन वो अब तक सलमान को भूली नहीं थी। शायद यही वजह थी कि वो समीर को कबूल नहीं कर पा रही थी। आज ईद है। आफरीन ने साहिल को नमाज में जाने के लिए नए कपड़े पहनाकर तैयार कर दिया। नहीं अम्मी, मैं अकेले नमाज पढ़ने नहीं जाऊंगा, मेरे अब्बू को बुलाओ, मैं अब्बू के साथ ही जाऊंगा। ये क्या हो गया बेटा, आज अब्बू अब्बू की जिद लगा रहा है? मेरे सारे दोस्त अपने अपने अब्बू के साथ नमाज पढ़ने जा रहे हैं, मैं भी अब्बू के साथ ही जाऊंगा, अब्बू को बुला दो ना अम्मी। बेटा तेरे अब्बू बिजनेस करने दूर देश गए हैं, उन्हें आने में वक्त लगेगा। साहिल ने जब से होश संभाला है आफरीन उसे यही बताती आई है। साहिल, तभी हमीदा उसे आवाज देती है। आप अच्छी अम्मी नहीं है, कहकर वो अपनी नानी के तरफ दौड़कर चला जाता है। अरे अपनी ईदी तो लेते जा, आफरीन चिल्लाते हुए कहती है। नहीं चाहिए आपकी ईदी, साहिल भी चिल्लाते हुए ही जवाब देता है और अपनी नानी के पास पहुंच जाता है। ये लो तुम्हारी ईदी, कहकर हमीदा उसे 100 रुपए का एक नोट देती है। थैंक यू नानी, कहकर वो अपनी नानी के गले लग जाता है। नानी उसे चूमती है और नमाज पढ़ने के लिए भेज देती है। मस्जिद उनके घर के बिल्कुल पास है। आफरीन पिछली रात से ही बुखार से तप रही है। उसने टैबलेट ली मगर बुखार उतरा नहीं, तो उसे क्लिनिक जाना ही बेहतर समझा। आखिर कल उसे ऑफिस भी तो जाना है। आफरीन जैसे ही अपनी स्कूटी लेकर घर से निकलती है, समीर उसके घर पहुंच जाता है ईदी लेकर। आफरीन के लिए बनारसी साड़ी और साहिल के लिए कपड़े और मिठाइयाँ। हमीदा उसे बैठक कक्ष में बिठाती है और सेवैया परोसती है। मैं समीर हूँ अम्मा, इसी शहर में रहता हूँ, सेवैया खाते हुए वो सारी बातें कहता चला जाता है। मैं आफरीन को पिछले 2-3 सालों से जानता हूँ, वो भी मुझे बहुत अच्छे से जानती है। समीर बेटा पहले खा तो लो, फिर आराम से बताना, हमीदा समीर की हड़बड़ाहट को भाप कर कहती है। लेकिन समीर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस अपनी ही धुन में बोलता चला जाता है। मैं आफरीन से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन वो मानती ही नहीं।
लेकिन बेटा वो एक बच्चे की माँ है, हमीदा उसे सब सच सच बता देती है। मैं सब जानता हूँ अम्मा, कहाँ है साहिल बाबा? समीर ने सेवई खत्म करते हुए कहा। नमाज पढ़ने गया है, आता ही होगा। तभी आफरीन आ जाती है। तुम यहाँ? आते ही समीर से कहती है, हाँ मैं वो ईदी देने आया था। आफरीन को सहसा सलमान की वो बात याद आ जाती है। ईदी देने ही तो आ रहा हूँ मेरी जान। आफरीन, मैं तुमसे आखिरी बार कहने आया हूँ। मैं जानता हूँ मैं खूबसूरत नहीं हूँ, लेकिन अच्छा कमाता हूँ। सबसे बड़ी बात, मैं तुम्हें चाहता हूँ, हमेशा खुश रखूंगा तुम्हें। आफरीन कोई जवाब नहीं देती है। समीर अच्छा लड़का है बेटी, अपना घर बसा लो, आखिर कब तक दुनिया के ताने सहती रहोगी? हमीदा उसे समझाती है, लेकिन आफरीन अब भी कोई जवाब नहीं देती है। तभी साहिल दौड़ कर आता है और अपनी नानी को सलाम करके उससे लिपट जाता है। उसने अभी समीर को देखा नहीं है। बेटा अपनी ईदी तो ले लो, कहकर आफरीन साहिल का हाथ पकड़ती है और समीर की तरफ इशारा करते हुए कहती है, देखो तुम्हारे अब्बू आए हैं। अब्बू? कहकर साहिल समीर से लिपट जाता है। ईद मुबारक हो अब्बू। ईद मुबारक हो बेटा। अब हमें छोड़कर तो नहीं जाओगे ना अब्बू? नहीं बेटा, कभी नहीं। हमीदा खुश है, आखिर उसकी बेटी का घर बस रहा था। समीर आफरीन को देखता है। आफरीन की आंखों से खुशी के आंसू बहकर उसके सुर्ख पड़ गए गालों पर बहने लगते हैं। आफरीन मुस्कुराते हुए उन्हें अपनी साड़ी के पल्लू से पोंछती है। आज आफरीन ने समीर को दिल से कबूल कर लिया है। साहिल के लिए इससे बढ़कर, इससे बेहतर ईदी और क्या हो सकती है।